कोई कह सकता है कि मैंने इसको झाड़ू से बनाया है। तो गाइस फाइनली बाबू ने चाय नहीं पी। न्यू एरर ब्लॉग, बाबू चल गई है। मैं बाबू के लिए कभी भी दूध की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए मैं जा रही हूँ उसके लिए दूध की पॉलिथीन लेने नीचे, क्योंकि इसके मुड़ का कोई पता नहीं है। एक बार ये फैल गई ना, फिर ये संपट में आने वाली है नहीं, इसलिए जा रही हूँ अभी इसके लिए दूध लेने नीचे। उसके बाद में जाऊँगी मैं किचन, उसके बाद मैं करूँगी मैं किचन में एंट्री। नहाने धोने के बाद फिर यू, अभी मेरे कपड़े ही पड़े हैं देखो सुखाने के लिए, वो सुखाने हैं बट उनको बाद में सुखा दूँगी, क्योंकि पहले ये वाला जो काम है ये ज़रूरी है। चलिए चलते हैं नीचे। ये मैंने तो कपड़ों की बाल्टी उसको सुखाते हैं, बाल्टी ज़्यादा नहीं बस आधी बाल्टी है, तो आधी बाल्टी सुखाने तो पड़ेंगे। तो चलिए चलते हैं नीचे। चलो भाई चप्पल हमारी, चलो नीचे। देख रहे हैं आप मेरे, सिर्फ रोटी बनाने में ही जो है ये हाल हो जाता है। अभी बाबू का दूध है यहाँ पर रेडी, गर्म हो चुका है, उसको मैं लेके जा रही हूँ क्लास में। कभी देखते हैं वो पीती या नहीं पीती। एक बार वो नखरे करती है, उसको एक बाइट खाएगी भी ना, उसके लिए उसको चाहिएगा मोबाइल, तो उसके बिना उसको पछता नहीं है कुछ भी। इसलिए अभी देखते उसके नखरे थोड़े झेलने पड़ेंगे, अगर वो पी लेती तो पिला देते, वरना रखना पड़ेगा या फिर देखते जैसा भी होता है। अभी हमारी किचन की हालत देखो यार क्या हो रही है, देखो क्लियरली दिखा देती हूँ आपको करीब से। देखो अभी खाना बनाया तो अभी इसको पूरा करके जाना है मेरे को, क्लीन एंड क्लियर। बाबू का दूध थोड़ा सा अरे ऊपर नहीं आया, मैं टिफिन लगाने में लग गई थी इधर, तो यहाँ पे थोड़ा सा ही निकल गया था, बट कोई नहीं, गैस पर भी थोड़ा है। देखो साफ करना पड़ेगा पूरा। तो पहले मैं बाबू को यहाँ पर दूँगी दूध, उसके बाद में देखते हैं। थोड़े से पसीने पहुँच लेती हूँ, फिर से आ गए हैं। चल बाबू का दूध यहाँ पर रेडी है, टैंक पता ही है ना, बाबू का ना स्पेशल गिलास है, इसमें ही वो दूध पीती है, चाय पीते, चाय को मतलब दूध को वो ना चाय के नाम से जानते हैं, इसी के अंदर पीते। पता है एक बार क्या हुआ था, मैं घर गई थी अपने माई के, तो ये गिलास में ना मतलब ऐसे ही मैं गलती से भूल गई थी घर पे, तो इसने इतने नाटक किए थे यार वहाँ पर चाय पीने के लिए, आई मीन दूध पीने के लिए इतने नाटक किए थे, बहुत मुश्किल से पीती थी। क्या तो इसमें टोस्ट वगैरह बिस्किट वगैरह मिला के खिलाती थी उसको दूसरे गिलास के अंदर, बट ये था कि वहाँ पर एक और गिलास था बच्चों वाला, बट उसके अंदर ना पाइप नहीं था, तो 10-15 दिन इसने ऐसे ही निकाले थे वहाँ पे। तो मेरे को इसलिए ना ये साथ में लेना जाना पड़ता है, कहीं में जाऊँ ना तो मेरे को साथ लेके ज़्यादातर तो मायके में ही ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ तो लोकल जाते हैं कहीं तो इतना टाइम लगता नहीं है, थोड़ी देर में आ जाते हैं। तो अभी चलो देखते हैं इसका रिएक्शन क्या होता है। तो चलो फाइनली मैं दूध ले तो आई हूँ, बट यार ये पिएगी या नहीं पिएगी ये जानना ज़रूरी है, तो चलिए इससे पूछते हैं यार ये पी ले तो। और मुझे यहाँ पे यार वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ता है, आई मीन करना पड़ रहा है क्योंकि मोबाइल चल रहा था, वरना मैं और मैं ऐसे ही ले लेती इस पर तो मेरी वीडियो पर आ जाता कॉपीराइट, तो इस वजह से मेरे को यहाँ पर वॉइस ओवर करने की जरूरत रही यार, मैं क्या बोल रही हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पे वॉइस ओवर करने की ज़रूरत पड़ रही है। ये नाटक कर रही है, बोल रही है मेरे को मम्मा बॉटल में डालना है, बट क्या करें देखो अभी। गाइस फाइनली बाबू ने चाय नहीं पी, गई भैंस पानी में, गई मेरी मेहनत पानी में। उसे उसे गुच्छा भी आता है, इसको लार भी आता है, ये पीता नहीं है ना, तो मेरे को गुच्छा आता है, फिर छोटे से बंदे पे लार आता है। हाय कर दो अब तो, हाय करना भूल गए आप, देख देख अब मेरे को पता क्या करिए, सो ऐसे बोलेगी ऐसे, चलो सो, चलो सो, सोना चलो इसके साथ सो जाते थोड़ा सा देती हूँ, ठीक है मैं लाइट बंद कर देती हूँ सो अब। देखो 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 आराम से बेटा आराम से, देखो इनका मूड नहाने का है, हाथ पकड़ के ले आई मुझे खुद ही और नहाने के लिए घुस गई बाथरूम में। मैं बोलती थी नहाना है तब नहीं नहाती, देखो पानी पानी भीगने का शौक है, बस भीगेगी अब इसमें फैलाएगी, और मैं जब सिर पे डालूंगी पानी जब देखना कैसे भागेगी। लगाएगा
साबुन तो ये रहा बेटा। बाबू कपड़े मत भिगोना, मैंने सारे कपड़े धो दिए, कपड़े चेंज करो पहले। चलो इसको एक बार नहलाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे बाद में, जब तक मोबाइल को थोड़ा सा चार्ज कर लेती हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि वैसे भी डिस्चार्ज होने वाला है। तो चलो इसको निकाल दें, बाबू का फ़ोन अपना लगा देते हैं और मिलते हैं आपसे बाद में। तो फाइनली बाबू ने दूध तो पी लिया, अब ये जो बाल्टी कपड़े इनको सुखा देती है। बाबू के उतरे हुए कपड़े हैं, इसके बनियान और टी शर्ट, इनको मैं धोंगी मैं कल, क्योंकि मेरे को जो धोने होते हैं ना यार, मैं शुरू मतलब मेरा मतलब ये है कि ना जो भी धोने होते हैं ना मैं सुबह धो देती हूँ। तभी चलो इनको जो है सुखा देती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो मैंने ना कपड़े सुखा दिए हमारे छोटे से, हमारा छोटा सा मिनी सा ये तार है, ये छोटा सा चिन्नू सा, एंड इधर भी सुखा दिए हैं। और हाँ ये देखो मैडम हमारी नादों के फ्री हो गई, इसको बीच बीच में रुक रुक के दूध पिलाया है तो ऐसे ही पीती है। इसको मुड़ की बात है, बाबू के जो बच्चे, बाबू के जो कपड़े निकले थे ना, तो इनको मैं डाल देती हूँ लॉन्ड्री बैग के अंदर। मैं अक्सर ऐसा ही करती हूँ, जो कपड़े निकलते हैं ना नहाने के बाद में, उनको मैं लॉन्ड्री बैग के अंदर डाल देती हूँ और इसको मैं अपने बेड की साइड में छुपा देती हूँ, मतलब रख देती हूँ। हाँ तो मुझे यहाँ पर लेनी पड़ेगी क्लिप, चलो इसको लगाना है दुपट्टे में, क्योंकि नहीं लगाया तो नीचे दिखेगा डायरेक्ट। ये गया क्लिप। बाद मेरे को यार बाबू ये ना बेडशीट भी अच्छी कर लेते, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, कितना देख फैलावड़ा हो रहा है इस पर, मेरे को बहुत गंदी लगती है इसे। चलो इसको एक बार साफ कर लेती हूँ मैं, आप साइड में हो जाओ। तो गैस बाबू को मैंने 2 मिनट के लिए साइड में छोड़ दिया है, थोड़ा मतलब बैठा दिया मोबाइल में, तब तक मैं यहाँ पे अपनी जो बेडशीट है वो साफ़ करके यहाँ पे फ्री कर लेती हूँ, वो देखती रहेगी मोबाइल में। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के यहाँ पे दो, ये देखिए मैंने रील्स वगैरह आज बना लिया, मूड बन गया था यार चलो बना लेते हैं। नीचे चले गए थे बाबू खेलने के लिए, इसमें बना ली, देखो ये आईलाइनर है, वैसे भी आईलाइनर नहीं ये काजल है, ये शायद है एलियाटिन का। तो ये वैसे वाटरप्रूफ है, देखो अभी छुड़ाया, मतलब छुड़ाया था मैंने टॉवल से, बट वो हटा नहीं है अभी तक, लग ही रहा है। तो बाकी कमे कवे का जो मैंने कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ लिपस्टिक एंड ये काजल लगाया था, लिपस्टिक को मैंने लाइट कर लिया है क्योंकि मुझे मतलब ज़्यादा है भी, थोड़ा इरीटेट करता है गर्मी का मौसम, वैसे ही देखो पसीने पसीने हो रहे हैं, कितनी बार मौसम लगातार आते ही मौसम, देखो धूप छाई हो रही है, आई थिंक आज भी बारिश आएगी तो हो रही है इधर, कभी धूप हो जाती है तो कभी छाया हो जाती है। और ये पॉट भी आप देख रहे हो यार, मैंने मेरा DIY था, मैंने बनाया था, पता ना दोनों मैंने बनाया, ये वाला ज़्यादा सुंदर लग रहा है, ये वाला ज़्यादा सुंदर लग रहा है, कोई कह सकता है कि मैंने इसको झाड़ू से बनाया है, तो बेहद ही आई लव इट एंड बहुत सुंदर लग रहा है सब चीज़ में। एंड इसके बाद में है ये वाला ओल्ड वाला, ये भी सच में काफ़ी ग्लो कर रहा है। तो यार ये दोनों ही काफ़ी जो है चमकदार एकदम शाइनी शाइनी लग रहे हैं। तो यहाँ का जो रखा था ना सामान, जो CPU वगैरह रखा था इस बक्से के ऊपर में, तो मैंने सब कुछ उठा के यहाँ इस बक्से पे जो है ट्रांसफ़र कर दिया, इस एक्वासिस को ढक दिया। मैं सोच रही हूँ इसको नीचे जाके रखाऊँ, तो जो मॉनिटर मतलब LED की छोटी वाली, वो भी हमने नीचे शिफ्ट कर दी है, क्योंकि फ़िलहाल में काम में आ नहीं थे, काम आया था तब लेके आए थे, अभी उसको हमने शिफ्ट कर दिया है। ये कूलर भी हमें सही करवाना है यार, अच्छा गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी रात में, मान लो कि उसको 12 या 1 बजे के समथिंग नींद आती रात में, क्योंकि गर्मी इतनी भयंकर है। तो आज इस कूलर का कुछ ना कुछ जुगाड़ करते हैं, इसको खुलवाते इसकी मोटर सही होगी। शिफ्ट यार मेरी आँख खुली है, अभी बाहर देगा, कपड़े पड़े हैं मेरे तो यार, सूखे सूखे कपड़े सारे भीग गए, माई गॉड बाहर सारे बाहर देखो। तो यहाँ पे मैं सारे कपड़े उतार लाई हूँ, और सारे दुले दुलाए कपड़े थे सारे सीम गए मेरे, ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं लेकिन फिर भी इन्हें कपड़ों को सिलने के लिए कितना सा पानी चाहिए, तभी मैं इनको टांग देती हूँ मतलब सुखा देती हूँ, ब्लॉग करती हूँ। मेरी एंडिंग कैसा लगा, अच्छा लगा लाइक करना, चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। ओके बाय बाय।